हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। नूडल्स बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स पकौड़ा। नूडल्स पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कप बेसन है, ये 1/2 कटोरी हमने गाजर लिया है, 1/4 कटोरी हमने शिमला मिर्च ली है, 1/2 कटोरी कैबेज है, 3/4 कटोरी प्याज है। इन सब सब्जियों को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप इसे छोटे क्यूब्स में भी कट करके ले सकते हो और आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो आप उसमें डाल सकते हो। ये एक छोटा पैकेट मैंने शेजवान नूडल्स लिया है, आप प्लेन वाला या जो फ्लेवर आपको पसंद है उस फ्लेवर का आप नूडल्स बना के उसमें यूज़ कर सकते हो। ये हरी धनिया पत्ती है जो मैंने कट करके ली है, 1/2 टीस्पून नमक है, नमक आप स्वादानुसार लीजिए। सिर्फ नमक डालते वक्त ये चीज़ याद रखिए कि जब हमने नूडल्स बनाए हैं उसमें भी नमक है। ये 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1/3 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। ये 2 मैगी क्यूब है मैगी के जो हम इसमें डालने वाले हैं। पानी हमें बैटर बनाने के लिए लगेगा और ऑयल हमें पकौड़ों को फ्राई करने के लिए लगेगा। आइए हम पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। ये 1 कप मैंने बेसन लिया है वो पहले हम डाल लेते हैं, इसमें ये नमक डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ये मैजिक का मैगी का मैजिक क्यूब्स जो है जिसे मैंने निकाला है खोल के, और ये कॉर्नफ्लावर है। ये ड्राई फ्लावर हम सब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ये थोड़ा सा पानी डालती हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बैटर में पानी डाल रहे हैं, इस कंसिस्टेंसी का बैटर हम पहले बना लेते हैं और इसे सब्जियां ऐड कर लेते हैं, फिर और लगेगा तो हम थोड़ा पानी डाल लेंगे। ये कैबेज है, हरी शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज, और कैबेज। सभी सब्जियों को हमें बैटर के साथ अच्छे से मिलाना है। हम बैटर में जो नमक हमने डाला है वो सिर्फ बैटर और सब्जियों के लिए डाला है। अब ये नूडल्स हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बैटर हमें इस कंसिस्टेंसी का चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने पहले ही गर्म करने के लिए रखा है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पकौड़े डालते हैं। पकौड़े हम चम्मच से ही डालेंगे,
बहुत बड़े साइज के नहीं डालेंगे, ये इस तरह से हम पकौड़े इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम बड़ी रखनी है क्योंकि पकौड़ों को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। पकौड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये पकौड़े हमारे बन चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से ये 5-6 पकौड़े हम डाल देते हैं। ये हमारे पकौड़े बनके तैयार हुए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये हमारे मैगी पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।